सो गाइस, जब भी हम इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है या नहीं, या फिर हम टैक्स को कुछ सेव कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती तो हम डिडक्शंस को देखने लगते हैं, और सबसे पॉपुलर डिडक्शन है ATC। सेक्शन ATC में होता क्या है? सो बेसिकली जब हम पॉलिसीज लेते हैं, जैसे LIC हो गया, आपकी PPF अकाउंट हो, आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। क्या आपको पता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी सेव कर सकते हो? कैसे? सबसे पहले चीज़ आती है ATCCC। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई नई पॉलिसी लेते हैं या फिर किसी भी पुरानी पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। और दूसरी चीज़ होती है ATCCD। इसमें क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अगर पढ़ा हो या सुना हो तो आपको पता होगा कि आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन और मिल जाती है अगर आपने NPS में कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा बहुत टैक्स सेव करना है या फिर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हो पा रही है, तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हो। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।